अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम निकले हैं बाहर, कराची शहर का विजिट कर रहे हैं। आप मेरी रियल स्टेट की वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन आज मैंने काबू किए हैं अपने एक हरदिल अजीज दोस्त मेरे नजीब साहब हमारे साथ हैं, नजीब फारूकी साहब। अब हम लोग इस वक्त आउटडोर मीडिया पे विजिट भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप रोड पे बिलबोर्ड लगे देखते होंगे। अभी आपके सामने मेन्यू का बिलबोर्ड लगा हुआ है, उस पे ये बिलबोर्ड लगे हुए हैं रोड के ऊपर, नीपा फ्लाईओवर पे इस वक्त हम जा रहे हैं। नजीब भाई, ये बताइए सबसे पहले कि ये जो बिलबोर्ड्स हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो है, इसकी अहमियत क्या है आपकी नज़र में? अहमियत इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर तमाम एडवर्टाइजिंग की आप बात करते हैं तो आउटडोर मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो अनअवॉइडेबल, हम इसको कहते हैं ना, चाहिए अनअवॉइडेबल है। जाहिर बात है, आप ऑन द गो हैं तो रोड पर आपको जो बिलबोर्ड दिख रहा है आपकी नज़र उस पर पड़नी ही पड़नी है। टीवी चैनल की तरह नहीं है कि आपने चैनल बदल दिया, या अखबार की तरह नहीं है कि लपेट के रख दिया रिसाले की तरह, सही है, या फेसबुक की तरह नहीं है कि आपने स्विच ऑफ कर दिया और ऑफलाइन हो गया। लेकिन बाकी तमाम मीडिया वाले कहते हैं कि जी इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते आप, आपको ये नहीं पता चलता। अनअवॉइडेबल तो बिल्कुल ठीक है, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों ने इसको देखा है? नहीं नहीं, तरीकेकार तो हर चीज़ के मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, टूल्स होते हैं उसके। आज चूँकि हमारी मार्केट अभी इतनी डेवलप नहीं है, सही है, जो नहीं है, तो वो टूल्स हम लोग यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। गो के कुछ लोगों ने कोशिश की है, हल्के से वो आ रहे हैं इस तरफ, लेकिन ऑब्वियसली उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अभी हम बिलबोर्ड्स देख रहे थे जो डिफरेंट साइजेस के बिलबोर्ड थे जी, तो अभी हमें पोल पे भी इस यही चीज़ आ जाएगी और सामने भी कुछ लगा नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं कि किस क्या क्या इसके फॉर्मेट्स हैं आउटडोर? डिवाइसेस तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन अब जो रिसेंटली इस वक्त चल रहा है उस पर पब्लिक प्रॉपर्टी वैसे तो मना है, जो मतलब प्राइवेट लोकेशन बिल्डिंग्स या कोई प्लॉट है उसके अलावा लगाने पे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की लैंड जो है, गवर्नमेंट की लैंड, ओके, ठीक है। तो उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जाहिर सी बात है, रेगुलेशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, डायनामिज्म हर चीज़ में होता है, सही है। तो जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो ब्रिजेस पे लगा होता है ब्रिज पैनल कहलाता है, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस पे भी होता है और फ्लाईओवर्स पे भी होता है, और पोल पे जो स्ट्रीमर्स होते हैं जो टेम्परेरी लगाए जाते हैं, और पोल साइज होते हैं जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं, सही। लेकिन फिलहाल वो जरा सा ग्रे एरिया में, ओके। अच्छा, और ये बताइए नजीब भाई कि अब इनके साइजेस नॉर्मली क्या होते हैं? एक ज़माने में तो हम 1:3 का रेशो समझते थे कि 60-20-60 होगी और 90-30 होगी, तो अभी क्या, अभी इस वक्त क्या फॉर्मेट चल रहा है? बिल्कुल बेसिक रेशो तो ऐसे ही होते थे, सही है, 1:2 या 1:3 का, छोटी साइड्स होती थी 10-20 की, 10-20 की, 8-12 भी शायद की होती थी, सही। उसके अलावा 15-45 या 20-60 या 30-90, लेकिन चूंकि अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे जब से पाबंदी लगी है जी, तो आप रोड साइड पे होर्डिंग्स तो आपको नहीं नज़र आती कराची में, ना तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जितनी बड़ी बिल्डिंग है उसी हिसाब से उस पर लग जाता है, जितनी दीवार मिल गई उतनी बड़ी दीवार अवेलेबल है स्पेस आप उसमें लगा सकते हैं, सही। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके ऊपर भी अक्सर बात होती रहती है, लोग कहते हैं कि ये गिर जाते हैं, ये इस पर कुछ मसले मसले आते हैं विंड प्रेशर की वजह से या उसकी वजह से, तो इस पर आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? बाय द वे, आपने आखिर में किसी एसोसिएशन का हिस्सा भी है मेरे ख्याल जी? हमारी सिंध आउटडोर एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन है, जिसका मैं इन्फॉर्मेशन से, अच्छा माशाल्लाह, अभी हाल ही में उसकी इलेक्शन में, सही। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही, एक बात की जाती है कि परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, सही, और बिल्कुल ऐसे ही है। मनोवन ये हमारे इस मामले पे, इस जो स्पेसिफिकली आपने जो इशू बताया, ये बात सादिक उतरती है। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ साथ साथ, कि ये जो सामने जिस तरह बिलबोर्ड नजर आ रहा है ये वाइट है, तो इसका मतलब ये है कि ये अवेलेबल है जी, हाँ, उस पर टॉयलेट लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है, टॉयलेट का नंबर भी लिखा, आप कॉन्टेक्ट करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। आप कुछ कह रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में? ये जो है ना, एक आई वुड से कि मिथ है कि जी बोर्ड गिर गया लोग मर गए, हाँ, और ये एक हमारे नाम लेना मुनासिब नहीं है, बड़े मशहूर साफी हैं, उन्होंने पिछले साल अपने क्लोजिंग प्रोग्राम कर रहे थे साल का, ईयर एंड का, सर नाम लेते हैं हम तो, सबके नाम ले लेते हैं लोग, अब तो चीजें खुली हो जाती है सर, माशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा ओपन, क्योंकि उन्होंने डेलिब्रेटली नहीं किया तो इसलिए मुनासिब। अच्छा, वैसे भी बता दे माइंड सेट क्या है, बिल्कुल सही। तो वो बता रहे हैं कि कराची बड़ा शहर है और खबरों में रहता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, लेकिन नेगेटिव खबरें ज्यादा होती है, ऐसे ही दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से। अब उन्होंने नेगेटिव खबरें गिनाना शुरू किया और रवानी में बोल गए कि जी बोर्ड गिर गया लोग मर गए। अच्छा, तो मैंने उनको मैसेज भी किया, मैंने पूछा उनसे कि जी आप बताएं कब आपकी नॉलेज में बोर्ड से कोई मरा हो, सही, उसका कोई जवाब था नहीं उनके पास। अच्छा,
तो हकीकत यही है कि जो मेरी नॉलेज में 2007 में एक तूफान आया था जिसमें बहुत सारी जानों का ज़िया हुआ था शहर में, उसमें से एक रीज़न था कि बोट से कुछ लोग, एक या दो मौत हुई थी। ओके। उसके अलावा 2007 से लेकर आज 15 साल हो गए, मेरे में कोई जानी नुकसान नहीं। हाँ, हादसे हुए, लोग जख्मी हुए, लेकिन वो पोर्ट्रेट इस तरह किया जाता है कि जैसे इतना शदीद तूफान भी नहीं आया मेरे ख्याल में दोबारा 2007 के बाद। जी, उस तरह का तूफान भी नहीं आया। उसमें तो 4-5 बिलबोर्ड गिरे थे जो उस जमाने में हमें याद है कि क्या बने, तो हाथ पे कुछ एक हादसा हुआ था, बिलबोर्ड पे हुआ था जी, तो वो एक चीज़ थी। तो नजीब भाई, ये जो अब चीज़, ये जो एक ऐसा बिजनेस है कि इसको लोग सही तरह से समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअली बिजनेस है क्या, आउटडोर का मतलब ये क्या होता है, ये बस आप जाके बोर्ड लग जाता है और वो बोर्ड जो होता है वो फिर कोई उसको कैसे रब्ता करता है, मतलब कंपनियों का हम इश्तिहार देखते हैं, कभी उस पर यूनिलीवर का कोई ब्रांड लगा हुआ है, कभी पीएनजी का ब्रांड लगा हुआ है, तो ये इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे हो रहा होता है सब? देखिए जी, जो भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है या सर्विस देती है तो उसकी ज़रूरत है कि वो जो कुछ भी काम कर रही है वो लोगों तक पहुँचे, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि फिर वो उस बारे में कोई एक डिसीजन ले सके अपने परचेजिंग के हवाले से, ना, और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। बिल्कुल सही। तो ये जो एक प्रोसेस है ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहलाता है, कि जो कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करना चाहती है उसकी, वो मासेस के पास आते हैं, वो मासेस के पास जो भी उनकी टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है, वहाँ तक उनका मैसेज पहुँचे। सही। तो उसके मुख्तलिफ ज़रा हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल है, आउटडोर है, बेसिक है चार। बिल्कुल सही। तो जब एक माशरा होता है उसमें हर तरह के लोग होते हैं, कोई टीवी ज़्यादा देखता है, कोई नहीं देखता, किसी के टाइमिंग अलग होते हैं, कोई पढ़ने का शौकीन होता है, अखबार पढ़ता है, उसके अलावा रिसाइल पढ़ता है, या अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसमें ऊपर रहते हैं, और इसी तरह से आउटडोर है, मतलब लोग घर से निकलते हैं अपने काम काज के हवाले से, रिलेशन के हवाले से। तो अब कोई ब्रांड मैनेजर है, कोई एक मार्केटिंग मैनेजर है किसी कंपनी का, या मैं हूँ, मुझे अपनी कंपनी का बिलबोर्ड चाहिए आपके लिए, तो मैं किस तरह से रब्ता करूँगा? इसमें कोई एजेंसी होगी, इसमें डायरेक्ट एडवर्टाइजर होगा, वेंडर होगा, यानी कि जिसकी साइट होगी वो होगा, साइट ओनर होगा, क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह से होता है, मुख्तलिफ ज़राए होते हैं। एक तो जैसे अभी आपने कहा था, फिर हमारे सामने एक आ रहा है, हाँ, ये भी खाली बिलबोर्ड है, उसके ऊपर एक बिलबोर्ड लगा हुआ, ये 60-20 का साइज होगा? जी हाँ, ये 60-20 का साइज, 60 फीट इसकी विड्थ है और 20 फीट हाइट होगी इसकी। रूफटॉप पे हम 60-30 तक जा सकते हैं, जैसे वो सामने आप देख रहे हैं। ये तो मुझे बड़ा ही लग रही है साइड सामने वाली, जिस पे आई थिंक पेप्सी लगा हुआ शायद। जी जी जी, ये बड़ी है, 90-30 अलाउ है इस वक्त अभी? 90-30 अब वही एक ग्रे एरिया में है थोड़ा सा, 60-30 मैक्सिमम साइज अलाउ किया है इस वक्त, वो सामने 60-30 लग रही है। जी, वो दोनों 60-30 डिस्प्ले पे बिस्किट का लगा हुआ, जो खाली और नीचे में रखे में वॉल पैनल बना हुआ है, जैसा मैंने कहा और साइज पे कुछ भी पड़ जाए। बिल्कुल, स्क्वायरिश है मेरे ख्याल से 40x40 30x30 होता है। तो इस पे टॉयलेट का नंबर लगा होता है, आप उनको रابطہ कर लें, और उसके अलावा एजेंसीज भी होती हैं जिनको ओएमएस कहते हैं, आउटडोर मीडिया बाइंग एजेंसीज, जो रेगुलर काम करते हैं, बड़ी कैंपेन करना चाहते हैं। जाहिर बात है, एक एक बूथ वाले से जो एडवर्टाइजर है, जो ओनर है मीडिया ओनर, उससे रابطہ करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी भाई, बताइए अंदाजन क्या रेट चलता होगा इस वक्त कराची के अंदर, अगर 60-20 की, अब उसी तरह कैटेगराइज होती होगी, ए प्लस में साइट है या बी में है या सी में, कहाँ आती है बिल्कुल? यकीन है, ये तो जो एसईसी का होती है अकॉर्डिंगली होता है। मिनिमम क्या होगा, मतलब अगर इसका एक आइडिया लेना चाहें तो मिनिमम क्या रेट होगा इस वक्त 60-20 का? हम इस वक्त गुजर रहे हैं नागंज चुरंगी के एरिया से, तो इस एरिया में क्या होगा नॉर्थ कराची की तरफ? नॉर्थ कराची की तरफ अगर हम बात करते हैं 60-20 की, तो मंथली रेट इसके होंगे अराउंड 5 लाख ±। जी, बहुत एक्सपेंसिव है सर। जाहिर बात है कम्युनिकेशन बड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो कितने लाखों लोगों को दिखाई जा रही है इसको भी आप देखें एक तरफ, दूसरी जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारा प्रोसेस है ना। अब बोर्ड एक लगा है, आपको तो एक चीज़ मिल गई कंपनी को अपनी मार्केट करने के लिए और उस पर जाए अपना इश्तहार लगा दे, लेकिन इसके पीछे पूरा प्रोसेस है। सही। वो जगह एक्वायर की जाती है, उसकी फिजिकली उस बिल्डिंग को देखा जाता है, फिर डिपार्टमेंट को लूप में लेके उससे परमिशन ली जाती है, फिर फैब्रिकेशन का एक मरहला आता है जिसमें हमें बड़ा रोबस्ट किस्म का तो बोर्ड लगाने पड़ते हैं, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रहे हादसे की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक उसको हादसे पर भी आप भी सुनने में आते हैं। एक चीज अच्छा, जो उस पर क्रिएटिव लगता है वो क्रिएटिव क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, आर्टवर्क जो होगा और स्किन जो उस पर स्किन होगी, जो पैनाफ्लेक्स आमतौर पर लगता है, वाइनल भी लगता है जी, वो प्रोड्यूस करके जो देते हैं, मतलब प्रिंटिंग करके देते हैं, बाज़ औक़ात हम लोग भी एडवर्टाइजर भी दे देते हैं, बाज़ औक़ात कंपनी खुद से भी कराती है।
ओके अच्छा, लेकिन आप नहीं समझते कि इस फील्ड के अंदर अभी क्रिएटिव जो है, मैं कोई ऊपर से स्ट्रक्चर लगाने की बात नहीं कर रहा एक्स्ट्रा फैब्रिकेशन की, मैं बात कर रहा हूँ स्किन के अंदर, उस आर्टवर्क के अंदर ही को क्रिएटिविटी जो दिखाई जाती है, वो बाज बिलबोर्ड्स की लोकेशन इतनी प्यारी होती है, तो अगर उसका साइट जो साइट ऑनर है वो खुद क्लाइंट को ये ऑफर करे या उसके आर्टवर्क के, क्योंकि नॉर्मली जो अब यूनिलीवर है या बड़ी जब कैंपेन लगती होगी किसी कंपनी की पेप्सी की, तो वो नेशन वाइड लगती है, कराची टू इस्लामाबाद लग रही है, पिशावर तक लग रही है, तो सेम आर्टवर्क हैं, चार पांच उस आर्टवर्क के उसके वर्जन है, वो चार पांच आर्टवर्क जो है वो सीक्वेंस में जो भी वो चाहेंगे उस एरिया के हिसाब से लगा देंगे, उर्दू कम्युनिकेशन इंग्लिश कम्युनिकेशन के मैसेज के अंदर। लेकिन क्या आप ये समझते कि अगर एक बिलबोर्ड अब हो सकता है वो मुल्तान में हो, वो ऐसी लोकेशन पे हो कि उस वहाँ बहुत अच्छे तरीके से उस मैसेज को थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो एक क्रिएटिव लुक आ जाए उसके ऊपर, उसके नीचे को बिलबोर्ड हो सकता है, उसके बराबर में कोई बिल्डिंग हो सकती है उसका, तो ये अगर आउट साइट ऑनर जो है वो अगर ये वाली सहूलतें भी देने लग जाए कि हम जो आपका आर्टवर्क है उस पर भी काम करें। आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन साइट ऑनर के लिए ये सहूलत देना थोड़ा सा मुश्किल है। इस पे ब्रांड को खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं दुनिया में जो ज़्यादा एफर्ट्स और अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज पुट इन करते हैं उसकी क्रिएटिविटी पर। सही है, वो कहते हैं कि जी हमारा जो मैसेज है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बेसिकली रिकॉल की बात है ना, कि आपके जहन में कितनी देर तक वो स्टे करता है और आप जब मौका आए तो आपके जहन में टॉप ऑफ द माइंड उसकी रिकॉल है, तो वो इतना स्ट्रांग मैसेज हो कि वो उसका इम्पैक्ट उनके जहनों पर ज़्यादा हो। और जैसे डिबियर्स आपको पता है जो हीरो में डील करती है, वो इस पर बड़ी मेहनत करती थी जमाने में। सही, और वो अपना सिंपल सा आर्टवर्क बनाते थे लेकिन इस तरह से कि उसकी रिटेंशन वैल्यू ज़्यादा हो। मीडिया ओनर का तो रोल इतना नहीं है, लेकिन ब्रांड्स खुद से चाहे जो ब्रांड ओनर चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं या इस किस्म की क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर कोलैबोरेशन से हो सकता है और होना चाहिए कि जो मीडिया ओनर्स हैं और जो ब्रांड है वो करते ही हैं बाज़ों का। तो बल्कि हमने ये देखा है, चूँकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्रांड पे काम कर रहे होते हैं उनको हर तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता, 360 एक्सपोजर उनको नहीं होता, तो वो जो एक डिज़ाइन बनाते हैं प्रिंट के लिए उसी को थोड़ा सा वो करके रिसाइज करके आउटडोर पे भी लगा देते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट बाज़ों का नहीं आ पाता कलर की वजह से या डिज़ाइन की वजह से। और सर ये जो स्क्रीनें लगती हैं ये कुछ ऐलान और जलसा और चलो चलो और इधर चलो उधर चलो, ये क्या सीन होता है? ये भी एडवर्टाइजर जो है आप लोग कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट खाली प्रोडक्ट के लिए तो नहीं है ना, कोई भी अगर इवेंट हो रहा है, कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, के लिए परमिशन की तो जरूरत है ना मेरे ख्याल में, होनी चाहिए और होती भी है। कभी बाज़ों का हमने देखा भी है कि हमसे बाकायदा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रेंटल पे करके भी जगह लेती हैं, या और दूसरे इस तरह के, या जैसे इवन एनजीओज हैं बाज़ों का तो पे भी करती हैं, बाज़ों का हम खुद भी उनको ऑफर कर देते हैं डिस्काउंट पे, या कभी कभी एफओसी भी देते हैं, तो मुख्तलिफ तरीके से। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब जो एक तरीकेकार है उसको फॉलो करना चाहिए, बी इट पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी और व्हाटएवर। अच्छा सर, हम लोग इस वक्त सखी हसन फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे हैं, जाना हमें नया नाज़ोबाद की तरफ है, तो ये जो फ्लाईओवर्स हैं, एक जमाने में फ्लाईओवर बैंडिंग भी होती थी, या ये इस किस्म की चीज़ें भी बाहर हैं, पोल साइंस हैं या कुछ, ऊपर पे नजर आ रहा है कि झंडे लगे हुए हैं, वो बुरी हालत है, तो इन चीज़ों को तो खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता। अब ये अब सामने हमारे पोस्टर्स लग गए जिसके ऊपर, तो अगर ये किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे दिया जाए और इसको साफ सुथरा रखने उसके काम में शामिल हो कि उसकी सफाई भी होगी और यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी होगा और यहाँ ब्रांडिंग भी अच्छी हुई होगी और लाइटें भी लगी होंगी, तो एक अच्छा एम्बियंस नहीं बन सकता यहाँ पे? बिल्कुल बन सकता है, उसके लिए विल चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कहीं कहीं लेजिस्लेशन भी चाहिए। ये भी सही बात, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि मतलब अगर विल भी है और वो रिसोर्सेज भी है लेकिन हमें कानून इजाजत नहीं देता। अच्छा, लेजिस्लेशन में ये पूछूंगा कि क्या आप कराची वालों को हम अक्सर मामलात में देखते हैं, मैं तो चुके रियल स्टेट के साथ, तो रियल स्टेट में हम देखते हैं कि कराची बिल्कुल डिफरेंट वे में ट्रीट होता है और बाकी पंजाब डिफरेंट वे में ट्रीट होता है, तो ऐसा ही क्या एडवर्टाइजिंग के साथ भी है, आउटडोर वालों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? हाँ, ऐसे ही हो रहा है, कानून के मामलात में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, क्योंकि अलग सूबे हैं और 18th अमेंडमेंट के बाद भी और शायद उससे पहले भी बहुत सी चीजें जो है वो प्रोविंशियल डोमेन में आती हैं, तो ऑब्वियसली वो हर सूबे की एक अपनी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की जो अपने तरह हिसाब से लेके चलते हैं, तो बड़ा डिफरेंट है मतलब जो डायनेमिक्स होती हैं, और वो बेशतर बिजनेसेस में ऐसे ही मेरे ख्याल से
के जो सुबह टू सुबह वो वेरी, लेकिन जो बेसिक्स है वो तो सेम होनी चाहिए एटलीस्ट. मतलब अगर वहाँ पे कुछ ऐसा काम करने की आजादी है तो यहाँ भी होनी चाहिए. वहाँ अगर किसी को अकाउंटेबल है कुछ करने का तो यहाँ भी होना चाहिए. ऐसा ही होना चाहिए. लेकिन आप देखते हैं कि जैसे रियल एस्टेट में भी आप देखते हैं काफी फर्क है मेरे ख्याल से. तो सर आपके यहाँ मतलब अब एक बिलबोर्ड है, एक क्लाइंट है जिसने वहाँ पे स्किन लेनी है, वो एडवर्टाइजर है, फिर वो आप जो हैं आप एज अ साइट ओनर हैं, वेंडर हैं, और फिर एक बीच में फैब्रिकेटर इन्वॉल्व होगा जो स्किन लगाएगा, स्किन फिटर जिसे आप कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो पूरे पाकिस्तान की या कराची की बिरादरी होगी जो उसको मैनेज करती होगी स्किन लगाने की. ये बड़ा मुश्किल काम है. मतलब आपको हाइट पे जाना है. अब तो खैर हाइट और बढ़ गई है, पहले तो आप ग्राउंड पे साइड लगती थी, अब तो आप टॉप पे काम कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर तो भी आई थिंक आप लोग इस पे सेफ्टी वगैरह पे भी काम करते हैं, जो आपकी लेबर काम कर रही है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ काम कर रही हो. यकीन करते हैं और उसके जो मल्टीनेशनल्स हैं वो तो बड़ा इस मामले में स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी पॉलिसीज को हमें कम्युनिकेट भी करती हैं, आगे ट्रेन भी करते हैं किसी हद तक. ओके, लेकिन जितना होना चाहिए उतना मैार बेहतर शायद नहीं है अभी इस वक्त. सही, लेकिन हम उसमें और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे बीच में कोविड में काम नहीं था तो जाहिर सी बात है लोग पुरानी लेबर चली गई, नई लेबर आ गई, उनको दोबारा से काम सीखना पड़ेगा, वापस सीखना पड़ेगा. और हमारे यहाँ ये भी कल्चर है ना कि लेबर जो है उसको अगर ये कहा जाए कि आप ये हार्नेसेस पहनो और ये ग्लव्स पहनो और पहनो, तो उसको भी उनको मसला होता है. मतलब उनको शूज उसको वो रबड़ के जूते पहनने में भी इशू है, जबकि उसकी बेहतरी के लिए सब कुछ हेलमेट पहनने में भी इशू हो रहा है. बिल्कुल ऐसे ही, बस वो रेजिस्टेंस तो है ना, आप इसको क्या करें, जाहिर बात है लिटरेसी हमारे यहाँ है नहीं. नजीब भाई एक खुफिया सा सवाल है, ये बताइए कि इसमें जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी अंदाजन कितनी है? आपने कहा पांच लाख का बिलबोर्ड चला गया किसी क्लाइंट के पास, लेकिन वो साल में 12 महीने तो नहीं बुक है. हाँ ये बात भी सही है. तो प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो आप लोग फिजिबिलिटी किस पे बनाते हैं? अगर साल के लिए बिलबोर्ड उठाते हैं तो आपकी फिजिबिलिटी क्या होती है लगाते हुए, 8 महीने 9 महीने? जी पहले तकरीबन ऐसे ही थी. अच्छा, 9 महीने हम एवरेज लेते थे. सही, लेकिन अब वो 6 से 7 महीने पे आ गई है. और बाज़ औक़ात तो शायद कुछ इंतजार करते हैं, हर साइड की एक अपनी लोकेशन होती है, एक अपनी उसकी वैल्यू होती है, उसके अपने स्ट्रेंथ होती है, तो उसके हिसाब से होता है. लेकिन ऑन एन एवरेज 6 से 7 महीने पे तो काम कर रहे हैं, 6 से 7 महीने पे काम कर रहे होते हैं, तो बहुत मतलब 50% तो आपका वैसे ही खत्म हो गया, वैकेंट पीरियड हो गया, तो उसकी कॉस्ट भी फिर आपकी साइट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी. जाहिर सी बात है, हमें टैक्सेस पूरे साल के देने हैं, रेंटल हमें पूरे साल का देना है, तो वो इसीलिए वो बाजार तो बड़ा लगता है. जी हाँ, कि जी इतनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं फिर जाहिर बात है उसकी वेयर टियर भी है, मेंटेनेंस है, और इसी को अगर कोई ईयरली डील करता है तो ऑब्वियसली उसको उस ब्रांड को भी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, उसको बेनिफिट अच्छा मिलता है. बिल्कुल सही है. अच्छा, ये जो शॉप साइन होते हैं, ये फेशियल होते हैं, ये तो आप लोग आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, ये तो एक पाकिस्तान के अंदर ये चीज जो है ये नॉर्मली कंपनीज खुद अपने एंड पे मैनेज कर रही होती हैं, जो ब्रांड्स हैं जी, ब्रांड्स अपने एंड पे डायरेक्ट जो है वो रिटेलर को कांटेक्ट करके उसकी शॉप को ब्रांड कर रहे होते हैं जी. ऐसे उसके लिए भी है मुख्तलिफ उनको जो फैसिलिटेट करते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा आउटडोर एडवर्टाइजिंग नहीं है. बहुत वास्ट चीज है ये नजीब भाई, हर फील्ड ऐसे ही होती है, हर चीज की एक अपनी साइंस होती है. जब आप उसमें डिटेल में जाते हैं तो बड़े मेटिकुलसली आपको देखनी पड़ती है. अब तो SMD का दौर आ गया है, बाहर तो बहुत लग गई है हर जगह पे, हमारे यहाँ भी हमने देखा है कुछ इंस्टॉलेशन चल रही है अभी जी आउटडोर के ऊपर भी. अच्छा, इसमें एक बड़ा एक मेरा जो एक्सपीरियंस है इस हवाले से बड़ा डिफरेंट सा है. पहले SMD कराची में आज से कोई 20 साल पहले लगी थी, ठीक है, बहुत कामयाब नहीं हुई उसमें, और भी रेजिस्टेंस आई, लोगों ने कंप्लेन भी की कि जी ये डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ड्राइव करते हुए. जो मेट्रो पर भी लगती थी मेरे ख्याल में, नहीं मेट्रोपोल तो बाद में लगी, पहले हसन स्क्वायर जो मुझे ओके नहीं कॉल करता हूँ हसन स्क्वायर पे, ठीक है, फिर उसके बाद छोटी स्क्रीन्स लगी मुख्तलिफ जगहों पे, रीजेंट के पास लगी थी, सबमरीन चौक होता था उसका, सबमरीन वहाँ होती, बिल्कुल वहाँ पे लगी थी, उसके बाद फिर मेट्रोपोल पे लगी, मेट्रोपोल पे और तारिक रोड पे. हालांकि वो बड़ा अच्छा एक प्रॉपर उसके पीछे जो कंपनी थी उनका एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड था. एक बात आप ज्यादा पुराने हैं मुझसे, आप ज्यादा बड़े हैं भाई आपसे, तो मैं शायद वैसे भी थोड़ा पुराने ही हूँ आप तो हिस्ट्री ज्यादा है सर, तो आपकी क्या रिजर्वेशन? अनफॉर्चुनेटली नहीं, मेरी रिजर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन है कि कराची में टिल नाउ डिजिटल मीडिया इतना कामयाब नहीं हुआ. अब उसके क्या रीजंस है मैं बड़ा उसको नहीं क्लियरली डिफाइन कर सकता, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है
फिर उसमें अभी तो कोविड की वजह से भी चीजें डिस्टर्ब हुई। ऐसा तो नहीं कि टाइम से पहले आ गया था, समटाइम वो चीजें भी बिल्कुल होता है कि आप वक्त से पहले कोई चीज आ जाती है तो मार्केट उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन मैंने अर्ज की ना कि अगर 20 साल पहले लगी थी तो 2-4-5 साल में आ जानी चाहिए थी। अब तो दुनिया में आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाए या नॉर्मल उसमें भी चले जाए तो आपको उनके डाउन टाउन में या जो भी उनकी बेसिकली मार्केट प्लेसेस हैं वहां पे आपको यकीनन डिजिटल डिस्प्लेस मिल जाएंगे, काफी तादाद मिलेंगे। इवन पंजाब में आपको छोटे शहरों में मिल जाएंगे, लाहौर और इस्लामाबाद तो है अपनी जगह लेकिन आपको छोटे शहरों में मिल जाते हैं। कराची में उस हिसाब से अगर देखा जाए जितना बड़ा शहर है तो तकरीबन ना होने के बराबर है, 2-4 मुश्किल लगे हैं इस परफॉर्मेंस। तो आगे देखते हैं, बहरहाल हम भी उस पर वर्किंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ जावियों से कर रहे हैं। अच्छा वैसे रियल स्टेट में और आउटडोर एडवर्टाइजिंग में एक चीज बड़ी कॉमन है जी कि, और वो है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कराची मतलब मजाक से कह रहा लेकिन हकीकत यही है कि आपको मतलब कितनी अथॉरिटीज काम कर रही है, कौन कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कौन कब आ जाए आपके पास, ये आपको नहीं पता ना। एनओसी मिलने के बाद भी या परमिशन लेने के बाद भी क्या हो जाए, तो ये भी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है एकदम से बैठे बैठे। खासतौर से कराची के सूबे से बात करते हैं तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है ना। और बार बार हम देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों से जब वो मुशर्रफ साहब का टाइम था उस वक्त तक में 3-4 दफा तो हमारा लोकल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ, मतलब उसकी बेसिक्स ही चेंज हो गए, फॉर्मेट ही चेंज हो गया। पहले सिटी का सीडीजी के था, फिर वो बाद में मेट्रोपोलिटन हुआ, फिर वो चेंज हो गया, फिर वो डीएमसी आ गई, उनको ज्यादा पावर मिल गया, वो डीएमसी से वापस टाउन्स बन गए। तो वो बार बार चेंज होने की वजह से यकीनन कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे किसकी आपकी भी हदूद होगी, वैसे ही फैसले कैंट में भी बिलबोर्ड लगेगा, नेवी की अलग जगह होगी, एयरफोर्स की अलग हदूद होगी। अच्छा तो नेवी एयरफोर्स की अपनी जो लैंड्स हैं वहाँ पे अगेन वही बात आ गई जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी में ही आता है, तो उसकी क्लैरिटी के लिए हमने दोबारा कोर्टों से रब्ता किया हुआ है, प्रोसेस में चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन बाकी जो भी इदारा म्यूनसिपल सर्विसेज दे रहा होता है जी, जिसकी हदूद होती है चाहे वो डीएमसी हो या कंट्रोलमेंट हो, वही इस चीज का मजाज होता है कि हमें ऑथराइज करें। ओके तो सर मजे की चीज है आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी, मतलब सड़कों पे पोल लगना और क्रिएटिव होना और रात को सड़कें जगमगाना और लाइटें पत्तियां लगना, तो कराची शहर तो पिछले 3 साल वीरान भी रहा। अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए, ज्यादा और ऑर्गेनाइज करके किया जाए तो इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ योर सिटी। आप जब सड़क पे गुजर रहे हैं तो कहीं पे आपको अच्छा सा ऐड नजर आता है तो आप मैं तो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी भी जगह होनी चाहिए लगाने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक कानून के तहत अभी तो पॉलिसी है। हाँ, पॉलिसी लॉ के तहत कर सकता हूँ, लेकिन होनी चाहिए। दुबई में जाते हैं, शेख जायद पे जाते हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्मेट के ऊपर बिलबोर्ड लगे हुए हैं, कोई जी पता नहीं कितने कितने फिट वो आपके साथ उसका बिलबोर्ड चल रहा होता है, मतलब वो एक वो आप ब्लैंकेट पॉलिसी नहीं बना सकते ना, आप कस्टमाइज करें हर एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और उसको इम्प्लीमेंट करें। चलिए ग्रेट सर, कुछ आपने अगर फीडबैक या कमेंट देना हो तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। आउटडोर के सीक्रेट्स रियल एस्टेट के साथ साथ आउटडोर की बातें, ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।